देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी, नेपोलियन भी खाली हाथ गया, वो ऐसा डायलॉग बच्चों सिखाएंगे, नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ। तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। कुछ लोग मिल जाएंगे ना कलाकार, पैसे नहीं चाहिए जी क्या करेंगे। अरे पैसे तो बिल गेट्स को भी नहीं चाहिए आज की डेट में यार, काम करता है कि नहीं करता, यहां करता है यार। बिल गेट्स मिरिंडा गेट्स फाउंडेशन है, डोनेशन दे दिया 80% माइक्रोसॉफ्ट को, वॉरेन बफेट डोनेशन दे दिया 80%, रतन टाटा डोनेट कर गया, लोगों ने अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट कर दी। तेरे पास साले डोनेट करने के लिए है कुछ, तेरे को तो खुद डोनेशन का जरूरत। फर्क यह नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क यह नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क यह पड़ता है कि जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। दुनिया की सारी प्रजातियां मैक्सिमम तक पहुंचती हैं आदमियों को छोड़कर। मैंने बोला मैं फिर भी चाहता हूं कि तू 100 करोड़ का टारगेट ले, क्योंकि 100 करोड़ के टारगेट को हिट करने के बाद तू 100 करोड़ रुपए डोनेट कर दियो, मैं तुझे 100 करोड़ नहीं कमा के देना चाहता, मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में तू जो आदमी हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट। हमारे पिताजी हमको सिखाते हैं, सिखाते थे बहुत पहले, हम बड़े हो गए लेकिन बात कंठस्थ है। वो बोलते हैं मोची बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया मोची तेरे शहर का नहीं होना चाहिए, तू मोची बन जा, तू बाल काटने वाला बन, लेकिन साले तेरे से बढ़िया बाल काटने वाला तेरे शहर में नहीं होना चाहिए। तू दर्जी बन, लेकिन लाइन लगनी चाहिए साला शादियों में कि कपड़ा सिलवाएंगे। तू जिस प्रोफेशन में रहे कम से कम मैक्सिमम तक पहुंचने का प्रयास कर, क्योंकि उस प्रयास में तू जैसा बनता जाएगा मैं चाहता हूं तू वो इंसान बने। क्यों ना आप और मैं आज एक गोल सेट करें कि हम अपने अकाउंट्स में कुछ 0 ऐड करेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर। वी आर नॉट अ रोबोट, हम सेम लाइफ अगले साल नहीं जीना चाहते, कुछ बेहतर होना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते। लोग क्षमताओं के अभाव में नहीं हारते, लोग निर्णय लेने की क्षमता के अभाव में हारते हैं। सर क्षमताएं भरपूर हैं, निर्णय नहीं ले पाते बस। कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर, लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से, रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया, इसने रेंज रोवर जैगवार जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन होगा। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है, कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं।